Hey guys, मेरा नाम है मोहित और आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही मजेदार वीडियो। गाइस आज की वीडियो में हो गया मेरा ब्रेकअप, तो आज मैंने लड़कियों से जाके मांगी है हेल्प कि मुझे घर से निकाल दिया, मुझे अपने घर पे रख लो। तो लड़कियों ने क्या रिएक्शन दिया आप ये चल के वीडियो में देखो और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। Yes. यार आपके कंधे पे मैं सर रख के रो लूं? मेरे कंधे पे सर रख के रोना है यार, मेरे पास ना कोई सहारा नहीं है रोने के लिए। Yes. यार मुझे रोना है, मेरा ना मन कर रहा है रोने का। Okay, relax. पर कंधे पे सर रख के रोने की क्या जरूरत? यार कोई है नहीं ना चुप कराने वाला, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। पर हुआ क्या जो रो रहे हो आप ऐसे, वो भी पार्क में? यार मैं इस पार्क में कल से घूम रहा हूँ रात से। यार मेरा ना ब्रेकअप हो गया है और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ना घर से भी निकाल दिया है। तो आप बेघर हैं? यही समझ लो यार, अब इसी बात पे रोना आ रहा है। ओके रिलैक्स, चल रोने से नहीं होगा यार, अभी शांत हो। देखो मेरा 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 ब्रेकअप हुआ है, मुझे इस बात पे रोना नहीं आ रहा, मुझे घर से निकाल दिया मुझे इस बात पे रोना आ रहा है। हाँ तो ठीक है, घर किसका था? घर उसी का था ना यार, वही रेंट पे कर। यार हम ना देखो, हम 5 साल से रिलेशन में थे, हम दोनों साथ में रहते थे पीजी में और मैं उसकी फुल केयर करता था, जो वो बोलती थी मैं वो करता था। कल रात को देखो ये हुआ कि उसने मुझे बोला बेबी चाय बना दो, देखो मैंने उसके लिए चाय बना दी बट चाय में ना मुझसे चीनी की जगह गलती से नमक डल गया। उसने इतनी सी बात तो पे मुझे घर से निकाल दिया, इतनी सी बात पे घर से निकाल दिया। यार आप मजाक कर रहे हो? मजाक कहाँ कर रहा हूँ यार, मैं पता है मतलब चाय के लिए मतलब कोई कैसे निकाल सकता है बॉयफ्रेंड? यार मुझे नहीं पता ना, वो पता कितना अत्याचार करती है मेरे ऊपर, मुझे नीचे सुलाती है खुद ऊपर सोती है और मैं तब भी कुछ नहीं बोलता। तुम दोनों अलग सोते? नहीं वो मैं नीचे सोता हूँ वो ऊपर सोती है, हमारा ना डबल बेड है तो वो अकेली इतनी मोटी है वो डबल बेड पर अकेली आती है। पर ऐसी कौन सी भी लड़ाई है कि सीधे घर से बाहर निकाल दिया चाय, सिर्फ चाय के ऊपर? यार मैं कैसे बताऊँ अब आपको, वो उससे पूछो ना जाके। तो मैं उसको नहीं जानती ना, आप मेरे पास आके रो रहे हो तो मैं आपसे ही पूछूंगी। बहुत अत्याचार करती है यार वो मेरे ऊपर, पता है? देखो खाना भी मैं बनाता हूँ, मैं 4 रोटी बनाता हूँ, 4 रोटी सब कुछ आता है यार, मैं क्या कहते हैं नौकरानी बन गया हूँ घर की, पता है आपको? दिख तो मैं लड़का रहा हूँ बट काम सारे लड़कियों वाले कराती है मुझसे। आप सीरियसली यार आप हंस रहे हो मेरी बातों पे? सीरियसली मजाक नहीं कर रहे? मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ आपके साथ? अच्छा ठीक है मैं नहीं हंस रही हूँ, पर आप कल रात से घर से बाहर हो? पता है देखो मेरे ना उसने कपड़े भी नहीं दिए, मेरे इतने महंगे महंगे कपड़े थे पूमा के नाइक के, मैं ये बैग लेके घूम रहा हूँ कल यहाँ से। ये बैग खाली? खाली ये बैग लेके घूम रहा हूँ, मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। आपको तो कहाँ से, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर ही तो नहीं पता, घर ही तो नहीं है मेरा, मतलब मम्मी पापा? मम्मी पापा तो गाँव में रहते हैं ना, वहीं कहाँ पे? काफी दूर, बिहार में। तुम बिहार से? Yes. और यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? गर्लफ्रेंड के साथ मैं भाग के आया था, रिलेशन में हम दोनों साथ में रहते थे। तो तुमने शादी करी थी उससे? शादी तो नहीं करी, ऐसे ही रहे थे हम साथ में, रह रहे थे। Yes. Living. Yes. अब उसने निकाल दिया? अब निकाल दिया, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता है कल रात को ना मैं यहाँ पे सो रहा था झाड़ियों में, तो 3-4 लड़के आगे मुझे छेड़ने लग गए यार। लड़के? लड़कियाँ छेड़ रही? पता नहीं यार क्यों छेड़ रही है, मैं इतना तो क्यूट भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, इतने बुरे भी नहीं हो। मैं बुरा नहीं यार, तो उसने मुझे क्यों निकाल दिया घर से? ऐसे कौन निकालता है यार, कौन ऐसे, कौन गर्लफ्रेंड करती है ऐसे? पर मेरा मानना तो यह है कि ऐसे सिर्फ चाय के लिए कोई नहीं निकाल सकता। आई एम श्योर तुमने कुछ और भी किया होगा। नहीं यार चाय में बस गलती से नमक डल गया था और थोड़ा नहीं ज्यादा डल गया था, जानबूझ के नहीं डाला था, मैंने देखा नहीं, मैंने ना चश्मा नहीं लगा रखा था। ऐसा कि उसने पहली बार हुआ था वो, इससे पहले कभी भी बोलती ना चाय बनाओ तो मैं एक ही जगह 2 चम्मच चीनी डाल के देता था उसे, वो कभी गुस्सा ना हो जाए। वो मीठी है ना थोड़ी, मीठी पीती है, तो चाय मीठी पीती है यार। यार आप हंस रहे हो मेरी बात पे, नमक भी तुमने 2 चम्मच डाल दिया। रिलैक्स यार, रोने की जरूरत नहीं है अभी तुम्हें। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। देखो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहित है। मोहित? यस। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? गर्लफ्रेंड का नाम चुड़ैल। चुड़ैल से कम नहीं लगती यार वो। नाम क्या है? नाम तो उसका प्रियंका है। तो तुम उसे प्यार से बुलाते हो ना? नाम उसका प्रियंका है। अच्छा नाम उसका प्रियंका। यस। आपका क्या नाम है? करिश्मा। यार नाम आपका सच में बहुत अच्छा है। थैंक यू। पर रोने से कुछ नहीं होने वाला ना यार, कहाँ से आप होती मेरी गर्लफ्रेंड? घर नहीं ढूंढा? घर मिल नहीं रहा ना, मेरे पास पैसे भी नहीं है बिल्कुल, उसने 1 रुपया भी नहीं दिया मुझे, मेरा फोन भी छीन लिया, मैं किसी को कॉल भी नहीं और कर सकता। आप ऐसे ही घर से बाहर हो? मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। यस। मास्क वगैरह कुछ? मास्क तो है मेरे पास यार, मास्क मैं लेके घूमता हूँ और सैनिटाइजर भी। ठीक है ओके रखो, समझ गई। आपको सैनिटाइज करना है? ये लो। थैंक यू थैंक यू। मैं भी कर लूँ? हाँ करो करो। यार मुझे कोरोना हो गया तो ऐसे मैं घूम रहा हूँ बाहर, फिर क्या होगा? उसने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करी, पता है आपको? तो तुम भी मत ढूंढो उसे।
अगर उसने नहीं यार आपको पता है ना प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है तो उसने घर से भी तो बाहर निकाल दिया। आपको पता है वैसे तो वो अच्छी खासी लगती है, उसके बाद अच्छा खासा पैसा भी है उसके मम्मी पापा के पास, बट वो ऐसे क्यों करती है यार? कुछ लोग होते हैं साइको। साइको तो वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब उनकी हरकत, उसकी हरकतें तो ऐसी है ना, हरकतें तो बहुत गंदी है उसकी। रात को घर से बाहर निकाल सकते हैं, हरकतें बहुत गंदी है उसकी। जिसके साथ बाहर के आए हो आप, उसको घर से बाहर निकाल दिया तो ये पागल बनती नहीं है तो क्या है यार? मैं रो ओके 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 फाइन, सब ठीक हो जाएगा। ओके रिलैक्स मोहित यार, सब ठीक हो जाएगा, चल यार। सच में आप बहुत अच्छे हो यार। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग बेकार भी होते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, समझ रहे हो यार? अब मैं कहाँ पे जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ मैं रहती हूँ ना, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ऊपर एक फ्लैट खाली है, वहाँ पे मैं आपको करा सकता हूँ। बट यार मेरे पास पैसे नहीं है, देखो बिल्कुल भी। के लिए देखो वहाँ पैसे ही मिल सकते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें पे करना पड़ेगा। पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है। और मैं अब देखो मैं अपने मम्मी पापा को कॉल करूँ ना कि मेरी क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड ने ऐसे किया, तो पता नहीं यार क्या बोलेंगे। ऑब्वियसली वो ये बोलेंगे जिसके साथ गया था वहीं रह। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जॉब यार आप मुझसे काम वगैरह तो नहीं कराओगे ना कभी? आपसे कोई काम नहीं कराने वाली। घर में कभी झाड़ू पोछा लगवाओ? नहीं मैं आपसे कोई काम नहीं कराने वाली, और ना मैं अपने अपने साथ रखूंगी। आप मेरे यार आप साथ में नहीं रहोगे? नहीं मेरी बिल्डिंग में ऊपर मैं आपको फ्लैट दिला सकती हूँ। पक्का? हाँ पक्का, तभी तो बोल रही हूँ। और मैं खाना पीना कहाँ से खाऊंगा यार? खाना पीना मैं कर सकती हूँ कुछ दिन के लिए, अगर प्रॉब्लम ना हो तो। सच में आप मेरी हेल्प करोगे? हाँ सच में मैं हेल्प कर रही हूँ आपकी। बट आप मेरे को तो जानते भी नहीं हो। एग्जैक्टली मैं आपको नहीं जानती, तुम भी तो मुझे नहीं जानते ना, तुम भी तो अपने प्रॉब्लम आके शेयर कर रहे हो ना मेरे साथ। इस दुनिया में तो कोई किसी की ऐसे हेल्प नहीं करता यार। देखो इसके बाद अगर तुम गलत निकले तो ये जो भी तुम गलत काम कर रहे हो। नहीं यार मैं सच में गलत नहीं हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। तो वही तो बोल रही हूँ, मैं भी तो एक अच्छे इंसान की मदद कर रही हूँ, और मदद करना बुरी बात थोड़ी। बट यार मैं भी सबकी मदद करता हूँ, देखो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तुम्हें मेरे पास भेज दिया भगवान ने शायद कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। सच में यार तो कहाँ पे रहते हो आप यहाँ पे? यहीं पास में मेरा घर है। मैं ना इस गली इस पार्क में अनजान हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानता सच में। और किसी लड़के ने उससे किसी अंकल ने भी नहीं पूछा बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, किसी ने हेल्प नहीं की। सच में आप दिल के बहुत अच्छे हो यार। पता नहीं यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे ये भी विश्वास नहीं हो रहा आप मेरी है क्या कराओगे मेरे से, पता नहीं मुझे डर लग रहा है अभी से। ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ, ऐसे कोई अपने बॉयफ्रेंड को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। फिर क्यों नहीं निकाल सकते यार? आपको पता नहीं आज की डेट में कैसे क्या क्या होता है। वही तो बोल रही हूँ, आज की डेट में अच्छे लोग भी हैं। मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस भाई, प्रॉमिस करो यार मुझे। सैनिटाइज किया हुआ देखो मैंने, मैंने किया है सैनिटाइज, प्रॉमिस मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो चले हम, कहाँ पे रहते हो आप? यहाँ पीछे। आपकी मम्मी तो नहीं डांटेगी ना? अरे नहीं मेरी मम्मी कुछ नहीं। नहीं कभी बोले किसे भिखारी को उठा के ले आई? नहीं भिखारी नहीं लग रहे हो तुम यार, वो तो मुझे पता है। बट पैसे तो मेरे पास, तुम्हें मेरे कपड़े तो फिट आने वाले हैं नहीं, मैं हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारे कपड़ों में। भाई वगैरह होगा ना आपका? भाई तो नहीं डांटेगा ना कभी, लड़ाई करने लग जाए मुझसे? पक्का? प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, कोई नहीं डांटेगा। चलें क्या? कहाँ से यार? अब मैं आपको पता है मैं कल से सोया नहीं हूँ, मुझे ना जाती सोना है। तो आप क्या कहते हैं मेरे लिए कुछ चाय परांठे बना के ले आना, मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। तो तुम मेरे घर पे रेस्ट कर लो, फिर शाम को मिल देंगे। मुझे खाना भी खाना है ना, मेरे लैंडलॉर्ड है उनसे। खाना भी खिलाओगे? मैं खाना खिला सकती हूं। चलें? हाँ ठीक है। यार आप डर रहे हो आप? नहीं 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 मैं डर नहीं, मन आपका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा मुझे ले जाने का। मैं डर नहीं रही हूं, मैं सिर्फ ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि आपको भूख लगी है, नींद भी आई है, खाना भी खाना है। यार कल से सोया नहीं हूँ, देखो खाना भी नहीं खाया है। मेरे घर चल लेते हैं, मेरी मम्मी ने लंच बनाया है सबके लिए। और यार आप क्या कहते हैं, देखो अब मेरा ब्रेकअप हो गया, आप मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी बनवा दोगे? यार मैं पहले घर दिलवाऊँ, रहना है पहले घर में, गर्लफ्रेंड चाहिए साथ के साथ। चलो आप चलो, कोई बात नहीं, घर ही दिला दो। हाँ चलो यार, पक्का ना? हाँ भाई पक्का। प्रॉमिस? इधर से चलना है ना? कहाँ से? अच्छा वेट वेट, यहाँ आओ एक बार। अब क्या हुआ? आपको मुझे एक और बात बतानी थी यार। क्या? आप ना सच में बहुत अच्छे हो। थैंक यू। आज की डेट में कोई ऐसे किसी की हेल्प नहीं करता। हाँ जानते हो। और मैं ना आपके साथ ना एक वीडियो शूट कर रहा था, देखो हमने सामने कैमरा लगाया हुआ है उधर, मैं आपको देख रहा था कि आप मेरी हेल्प करते हो कि नहीं करते हो, मैं ये देखना चाहता था। टेस्ट? यस पब्लिक टेस्ट। यस मेरा यूट्यूब पर चैनल है, आप चेक कर लो मोहित सैनी के नाम से। और अच्छा हम ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं मना करूँ तो? तो नहीं करेंगे। पर गलत बात है ना? नहीं आपने तो मेरी हेल्प की है ना, आपने अच्छा काम किया है, गलत नहीं किया। नहीं मैंने हेल्प करी है। हाँ। पर ऐसे बिना बताए तुम आके परेशान हो, रो रहे हो, मतलब मैं डर गई थी कि शायद यार बड़ा परेशान बंदा है यार। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आपको एक देख रहा था कि आप मेरी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे। ओके अपलोड करें कि नहीं करें?
बना लिया तो कर दीजिए, नहीं अगर मना करोगे तो नहीं करेंगे, प्रॉमिस पक्का। ओके थैंक यू यार, सच में बहुत अच्छे हो आप, थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू। अच्छा आप भी इधर ही जा रहे हो, फिर मैं इधर चला जाऊँ, कभी सोचो हुए छेड़ रहा है मुझे। सो गाइस कैसे लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मुझसे बातचीत करनी है तो इंस्टाग्राम पे आ जाना। बाय बाय।